हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 7 विषय हिंदी हिंदी में आप लोग तो छठा लेसन पढ़ने जा रही हूँ। छठा लेसन है कविता। कविता का नाम है गंगा स्तुति, गंगा माँ से विनती करना। इस पाठ का मैं शब्दार्थ आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ। आज मैं इस पाठ का कविता भी उस दिन पढ़ दी सुना दी थी। आज मैं आप लोग को पहला पंक्ति कविता का और लिखवा रही हूँ। यह पहला पंक्ति कविता और परस इसका अर्थ लिखवा दी हूँ। इसे एक बार पढ़ें, ध्यान से सुनिए। कविता है, बड़ सुख पावोल तुम तीरे, बड़ सुख पावोल तुम तीरे, छोड़त निकट नयन बह नीरे, छोड़त निकट नयन बह नीरो नीरे। इसका अर्थ हुआ, कवि विद्यापति माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। इसके कवि हैं, इस कविता को लिखने वाले हैं विद्यापति। वो कहते हैं, कवि विद्यापति माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे पुण्यमयी गंगे, हे पुण्यमयी गंगे, तुम्हारे किनारे में रहते हुए हमें अपार सुख का अनुभव हुआ। हम गंगा के तट पर किनारे रहते थे तो हमको गंगा माँ का दर्शन हुआ, इससे हमको अपार सुख का अनुभव हुआ। अब उसे छोड़ते हुए मेरा मन विकल हो उठा है। और अब क्या कर रहे हैं, तो गंगा के किनारे वहाँ से छोड़ कर दूसरे जगह जा रहे हैं, तो हम गंगा माँ से विनती कर रहे हैं कि माँ, अब मुझे उसे छोड़ते हुए मेरा मन विकल हो उठा है, बेचैन हो उठा है, और इसी विकलता के कारण आँख से आंसू बहने लगे, और इसी विकलता में छूटने के कारण आँख से आंसू बहने लगे।
जब कोई भी मनुष्य जब कहीं रह जाता है वहाँ से जाने लगता है उसको उसको छोड़ते हुए दुख होता है और आँखों में आँसू आ जाते हैं। उसी तरह वो भी जो कवि जो थे गंगा के तट के किनारे रहते थे और उनको जब गंगा वहाँ से जाने लगे तो उनको छोड़ते हुए गंगा के माँ को छोड़ते हुए उनको बहुत दुख हो रहा था और उनके आँखों में आँसू हो रहा था दूसरे। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, खूब मन लगा कर पढ़िए और रोज व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग को जो क्वेश्चन भेजा जा रहा है उसके आंसर लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिए। और आज का प्रश्न इतने ओके।